नमस्कार साथियों, मेरे जितने भी झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 4919 पद के साथी हैं और जितने भी झारखंड उत्पाद सिपाही के साथी हैं, उन दोनों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, बहुत ही खास अपडेट है। ऐसे में मेरे साथ है जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर। मैं सारा कुछ इनसे जानूंगा और मेरे जितने भी साथी हैं, खासतौर पर झारखंड पुलिस कांस्टेबल वाले, वो लोग फिजिकल को लेकर परेशान हैं कि उनका फिजिकल कब होगा। तो फाइनली फिजिकल का भी डेट है जो कि आ चुका है, और जो झारखंड उत्पाद सिपाही हैं उनका भी जो कोर्ट का अपडेट है, और उसके बाद जो फिजिकल का जो बातें चल रही है, दोनों को लेकर इंफॉर्मेशन आया, तो मैं सारा कुछ जानूंगा सर से। अब सारे से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके जुड़े, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें कि मैं आवाज उठा सकूं। और आप लोग का अगर चाहते हैं कि रियल में जल्द से जल्द एग्जाम हो, जल्द से जल्द भर्ती हो, तो उसके लिए आप लोग को सपोर्ट करना होगा, साथ आना होगा, इस चैनल के माध्यम से जुड़ना होगा सब्सक्राइब करके, और आवाज को उठाना होगा। सुनने में आ रहा है कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल 4919 पद का एडमिट कार्ड अब जारी होने वाले हैं, और ऐसे में जो उत्पाद सिपाही हैं सर, उनका भी कोर्ट का कुछ फैसला आया है, तो सर इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ हुआ है उत्पाद सिपाही को लेकर सर? देखिए कुणाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोर्ट का फैसला जो है 18 जुलाई को होने वाला था, लेकिन चूंकि लोक अदालत 18 जुलाई को ही हो गई, इसलिए जो है इसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, और उस दिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही जो है ये एक्साइज पुलिस की बहाली की प्रक्रियाएँ और एडमिट कार्ड वितरण की कार्ड शुरू हो जाएगा। सर ऐसे में सरकार तो सर बहुत ही तेजी में काम कर रही है, सरकार का तो सर ड्यूटी भी आया था, ऑफिस से भी आया था, और सरकार चाह रही है कि मैं 31 जुलाई तक सर फिजिकल ले लूँ, क्या ये पॉसिबल है सर? देखिए कुणाल जी, ऐसा है कि जुलाई में अभी 31 तक हमको नहीं लगता है कि पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो मौसम है बरसात का है, और बरसात के मौसम में विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, और उसको जो है से पक्की रोड पर ही दौड़ पूरा करना पड़ेगा, फिजिकल पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसा स्थिति में हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि जुलाई में हो जाएगा, लेकिन अगस्त तक जो है हमको लगता है कि प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सर जहां तक सरकार तेजी में है सर, सुनने में आ रहा है सर, आपके द्वारा भी जानकारी मिला है, आप सर हमेशा इस केस को देखते रहते हैं, उत्पाद सिपाही और कांस्टेबल जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल है, दोनों का एग्जाम सुनने में आ रहा है, जो फिजिकल का जो एग्जाम है, दोनों साथ ही में ले लिए जाएंगे सर, ऐसा क्या लगता है सर? देखिए कुणाल जी, एक दो दिन के अंतराल में दोनों एग्जाम लिए जा सकते हैं। सरकार चाह रही है, उनके पास स्टाफ की कमी है, और वो चाह रही है कि झारखंड पुलिस भी और उत्पाद सिपाही दोनों की बहाली की प्रक्रिया जितनी जल्दी पूरा हो जाए। जैसा कि मुख्यमंत्री के सचिवालय के ट्वीट से, कार्यालय के ट्वीट से भी आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री जो है इस बहाली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। दिक्कत यह हुई है कि सरकार में जो उथल पुथल हुई, जिसके चलते प्रक्रिया जो है वो थोड़ा आगे बढ़ी है, लेकिन अब पुनः जो है वो सरकार आ गई है हेमंत सोरेन की, और वे चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके दोनों पुलिस को, झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद पुलिस, दोनों पुलिस की बहाली जितना शीघ्र हो सके उसको पूरा कर लिया जाएगा, और इसके लिए जो है युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। सर जैसा कि सर आपके पास जानकारी आया है सर, उसके मुताबिक से सर क्या लगता है सर, सरकार जो है ये बोल रहे हैं कि मैं 10 सितंबर से पहले, क्योंकि सर इलेक्शन है अक्टूबर में और सितंबर में आचार संहिता लगेगा सर, तो ये 10 सितंबर से पहले बोल रहे हैं कि मैं सारा जो प्रक्रिया है ये कंप्लीट कर दूंगा, चाहे तो फिजिकल हो, एग्जाम हो, चाहे तो फिर मेडिकल हो, सारे कुछ। ऐसा लगता है सर कि या फिर डेट आगे पीछे कुछ हो भी सकते हैं, 1-2 महीना आगे भी हो सकते हैं सर? देखिए कुणाल जी, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हुई तो सरकार कर सकती है, लेकिन जितना अल्प अवधि की बात है, अगर सरकार इसको युद्ध स्तर पर करती है, सारा प्रक्रिया पूरा करना पड़ेगा, तभी सक्षम संभव हो सकती है, अन्यथा फिर जो है चुनाव का आचार संहिता लागू होने के बाद, फिर जो है चुनाव के बाद ही संभव होगा। मैं सर से बहुत कुछ जानूंगा सर, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोले हैं जो कि मैं सर से ही पूछने वाला हूं, पर मेरे जितने भी साथी हैं, सर के द्वारा एक चीज क्लियर कर दिए गए हैं कि एग्जाम आपका बहुत ही जल्द ले लिए जाएंगे, और एडमिट कार्ड का जो बात सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार तेजी में है, और जैसा कि सर आप लोगों को कंफर्म किए कि एग्जाम तो होगा, थोड़ा मोड़ा डेट आगे पीछे हो सकते हैं, पर एग्जाम आप लोगों का बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र ले लिया जाएगा, चाहे तो उत्पाद सिपाही है, चाहे तो फिर ये झारखंड पुलिस कांस्टेबल 4919 पद के मेरे जितने भी साथी हैं। तो मेरे जितने भी साथी हैं, भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और जहां तक बात है आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं आप लोग के लिए नोट्स लेकर आया हूं जो कि मात्र 40 रुपए में उपलब्ध करा रहा हूं, ठीक है? अगर आपने वो नोट्स को पढ़ लिया तो आपको कहीं भी किसी चीज को देखने का या फिर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ये नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं मात्र 40 रुपए में, और इस नोट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल पर भी नोट शेयर किया था और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में लड़ गए थे, तो इस नोट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे, उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। नोट्स कहां से लेंगे, नोट्स कहां से पाएंगे, तो सारे चीज मैं बता रहा हूं, और बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं सेटिंग वाले मामले में रहते हैं, तो भैया आप 4-5 लाख देकर सेटिंग करवा लीजिएगा, तो वो गलत है, सेटिंग तो करवा लीजिएगा, पर यहां पर 40 रुपया देकर मात्र आपको ये नोट्स को पढ़ना है, सेटिंग कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है।
बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस नोट से लड़ जाएंगे, ठीक है। और आपको इसको पाने के लिए मैं व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आसानी से इस व्हाट्सएप पे आप लोग को मैसेज करना है और मैं आपको इधर से जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, स्कैनर के थ्रू आपको पेमेंट करना है, फिर मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे जितने भी साथी हैं सारे लोग इस नोट्स को जरूर खरीद कर पढ़िएगा, किस लिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आपके नए सिलेबस नए पैटर्न को देखते हुए इस नोट को तैयार किया गया है और इस नोट्स से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाले हैं। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है, एग्जाम लेने के लिए सर इतना जल्दी काम क्यों किया जा रहा है, वो अपना इलेक्शन का डेट भी तो आगे बढ़ा सकते हैं, जो काम अक्टूबर में हो रहा है वो दिसंबर में कर सकते हैं, जनवरी में भी कर सकते हैं, इलेक्शन में लेट नहीं होना चाहिए, पर एग्जाम में सर इतना तेजी कर रहे हैं जो कि बच्चों लोग को ना पढ़ने का मौका मिलेगा ना उनका डेट अभी तक आया है, तो सर इतना तेजी क्या है कि एक महीना में सारा कंप्लीट कर दे दो महीना में। देखिए कुणाल जी, ऐसा है कि चुनाव की अवधि जब ही आता है सरकार चाहती है कि कुछ काम ऐसा करे ताकि जनता को जो है उनके ओर आकर्षित हो और लोग समझे कि वो जो है लोगों को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार देने के लिए कृत संकल्प हैं, विकास के लिए कृत संकल्प हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार निर्णय लेती है और सरकार देख रही है कि निकट में चुनाव है, हम कुछ करके जाएं पर लोगों के बीच में, ताकि आगे की बात को हम रख सकें कि भाई इतना हमने नौकरियां दी है, इतना रिक्तियों को दिया है, इतना बेरोजगार को रोजगार हमने प्रदान किया है और आगे हमारी सरकार जो है बनेगी तो हम और भी रोजगार आपको प्रदान करेंगे। तो इस तरह से सरकार जो है वो चाहती है कि वो जनता के बीच में जाए तो जाते जाते यह दिखा दे कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, सरकार रोजगार उन्मुख है कि नहीं है, सरकार जो है युवाओं के बारे में सोचती कि नहीं है। तो ये बहुत सारे थिंकिंग होती है गवर्नमेंट की इन बिंदुओं पे। सर मेरा सवाल है सर, तो इतना तेजी में क्यों सर, इतना तेजी में क्यों कर रहा है, क्या सच में इतना तेजी में करवाकर सर सारे को बहाली करा दिया जाएगा, भर्ती करा दिया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री का बयान आया सर? देखिए मुख्यमंत्री का बयान आया है, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री का बयान अगर आया है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का बयान ऐसे ही नहीं आता है। मुख्यमंत्री का बयान आने का मतलब है कि इस पर जो है वो कार्रवाई शीघ्र करनी है, तभी मुख्यमंत्री के ऑफिशियल बयान पे ऑफिशियल बयान आता है, अन्यथा ऐसे तो चलता रहता है बयान। वोट लेने के चक्कर में सर वो सारे को जल्दी जल्दी भर्ती करवा। देखिए केवल एक ही चीज को नहीं आप सोच सकते हैं कि वोट लेने के चक्कर में, विद्यार्थी लोग भी बहुत दिन से इस पर जो है टकटकी निगाह लगाए हुए हैं, तो दोनों चीज है। अब विद्यार्थी में असंतोष होता है और असंतोष जो है जब होता है सरकार के प्रति तो इसका खमियाजा भी तो सरकार को भुगतनी पड़ती है, इसलिए सरकार चाहती है कि हम जो करने का वादा किए हैं उसको पूरा करें ताकि आगे के लिए हम लोगों के बीच में जाएं तो हमारा एक छवि हो कि नहीं ये सरकार जो है रोजगार उन्मुख है, ये युवाओं के लिए जो है काम करने वाली सरकार है। तो इस तरह से हर कोई चाहता है कुणाल जी कि अपना जो हमारा वादा है उसको पूरा करें और कम से कम उस वक्त पर जरूर करें ताकि निकट भविष्य में चुनाव है और उसका जो है लाभ सरकार को मिल सके। तो सर के द्वारा जैसा कि बात करने से पता चला कि एग्जाम निश्चित है कि आप लोग का होगा, वो भी शीघ्र होंगे, तो मेरे जितने भी साथी हैं तैयारी में लग जाएं, जोर शोर से लग जाएं, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी होते के साथ ही टाइम नहीं मिलेगा। आप लोग जो समझ रहे हैं कि मुझे टाइम मिलेगा तो वहीं पर सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। तो जितने ही मेरे साथी हैं यही एक से दो मंथ को देखते हुए हमने नोट्स तैयार किया है जो कि आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही कम पैसा में 40 रुपये में मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, और मेरे स्क्रीन पर व्हाट्सअप का नंबर दिया गया, उसमें मैसेज करके और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और एक सीट को पक्का करना। और मेरे जितने साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग के साथ सारा चीज़ें शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी।